दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी का बर्थडे पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब घर के सारे लोग पार्टी में मस्त थे, इसी मौके का फायदा उठाते हुए बुल्ली गुल्ली और शॉन को ढूंढने ग्रैनी के घर के अंदर चला आया। लेकिन बुल्ली को ये काम जल्दी करना होगा, वरना पार्टी खत्म होते ही सारे लोग नीचे आ जाएंगे। बुल्ली रॉड को ढूंढता हुआ ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचते ही बुल्ली ने देखा कि रॉड उसके सामने खड़ा हुआ है। ये देखकर बुल्ली अपना हाथ हिलाने लगा और कुछ देर बाद रॉड ने बुल्ली को देख लिया और तभी बुल्ली रॉड को अपने पास बुलाने लगा। लेकिन रॉड खूनी पिग से बात कर रहा होता है और वो उसे छोड़कर बुल्ली के पास जाने लगता है, लेकिन खूनी पिग ये सब देख रहा होता है। रॉड बुल्ली के पास जाकर कहता है, बुल्ली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले गुल्ली और शॉन पकड़े गए हैं और खूनी पिग मेरी ही तरफ देख रहा है। बुल्ली कहता है, गुल्ली और शॉन पकड़े गए लेकिन तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं? तभी रॉड कहता है, बुल्ली नीचे चलो, हम यहाँ बात नहीं कर सकते वरना खूनी पिग को शक हो जाएगा। ये कहकर दोनों नीचे जाने लगे, लेकिन खूनी पिग अलर्ट हो जाता है, उसे शक हो जाता है रॉड छुप कर किसी से बातें कर रहा है। वो फौरन रूम के बाहर जाकर देखता है, जिस बात का डर था आखिर वही होता है। खूनी पिग रॉड के साथ बुल्ली को देख लेता है और समझ जाता है कि रॉड बुल्ली के साथ मिला हुआ है और फिर वो ये सारी बातें अंदर जाकर सबको बता देता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। खूनी पिग की बात सुनकर किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। ग्रैंडपा कहते हैं, रॉड जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं उसे जानता हूँ, वो हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन खूनी पिग अपनी बात पे अड़ा रहता है कि उसने बुल्ली और रॉड को साथ में देखा है। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है अभी पता चल जाएगा, जैसन तुम नीचे जाकर देखो रॉड के साथ कौन है जो हमारे घर के अंदर आया था। अगर ऐसा है तो रॉड को इसकी सजा दी जाएगी, तुम जाकर रॉड को पकड़ कर लाओ। ग्रैंडपा की बात मानते हुए जैसन रॉड को ढूंढने निकल जाता है। जेसन जब घर से बाहर आता है तो उसे रॉड कहीं दिखाई नहीं देता। वो चारों तरफ रॉड को ढूंढता है, तभी उसे प्लेट में केक रखा हुआ दिखाई देता है। जेसन समझ जाता है ये रॉड का ही केक है। जब केक यहाँ है तो रॉड भी आसपास ही होगा। तभी जेसन को घर के पीछे कोने में रॉड खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जेसन सोचता है कि रॉड वहाँ क्या कर रहा है। और इधर गुल्ली रॉड को ये बता रहा होता है कि शॉन केक में गिर गया था और तुम उसे उठाकर यहाँ ले आए, और गुल्ली उसे बचाने गया था लेकिन वो पकड़ा गया। और रॉड ये सारी बातें सुन रहा होता है, तभी रॉड को किसी के आने की आवाज लगती है और रॉड फौरन पलट कर देखता है तो सामने उसे जेसन आता हुआ दिखाई देता है। रॉड उसे देखकर घबरा जाता है और उसे हाथ दिखाकर वहीं रुकने के लिए कहता है, और दूसरी तरफ वो बुल्ली को हाथ हिलाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। बुल्ली रॉड से कहता है, क्या हुआ रॉड, कोई है क्या वहाँ पे? रॉड जब जवाब नहीं देता तो बुल्ली समझ जाता है वहाँ पे कोई है और वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए सीधे गाड़ी की तरफ जाता है और उसे बंद कर देता है ताकि अंधेरा हो जाए, और फिर वो वहीं छुप जाता है। और इधर रॉड जेसन के सामने एक्टिंग करता है कि उसे बहुत जोर से लगी थी और वो यहाँ अपनी टंकी खाली करने आया था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो जेसन? जेसन बोला, हमें खबर मिली है कि तुम गुल्ली बुल्ली के साथ मिलकर ग्रैनी और ग्रैंडपा को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। जेसन और रॉड की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी वहाँ खूनी पिग ने आकर माहौल खराब कर दिया। खूनी पिग जेसन की तरफ देखते हुए बोला, जेसन ग्रैंडपा ने तुम्हें यहाँ टाइम पास करने के लिए भेजा था या रॉड को पकड़ने के लिए भेजा था? जल्दी अपना काम पूरा करो वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे और मारे मारे फिरोगे। नौकरी वाली बात सुनकर जेसन भड़क गया और बोला, सुअर कहीं के तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दुम दबाकर निकल ले वरना ये तेरी दूसरी आग भी ज्यादा देर तक सलामत नहीं रहेगी। खूनी पिग बोला, तुम डर क्यों रहे हो जेसन? साफ साफ बताओ ना कि तुम रॉड के साथ मिले हुए हो और तुम उसे नहीं पकड़ोगे। मैं जाकर ग्रैनी और ग्रैंडपा को ये बात बता देता हूँ। ये कहकर खूनी पिग चुगली करने चला गया। खूनी पिग ऊपर जाकर पता नहीं जेसन के बारे में क्या क्या कहने वाला है, यही सोचकर जेसन भी वहाँ से चला गया। दोनों के जाने के बाद रॉड को कुछ राहत मिली, अब वो आगे का काम कर सकता है। जेसन के जाने के बाद रॉड सीधे बुल्ली के पास जाकर उसे बुलाता है और कुछ देर बाद बुल्ली अंधेरे से बाहर निकलकर रॉड की तरफ आता है और पूछता है, क्या हुआ रॉड, जेसन यहाँ क्यों आया था? रॉड बुल्ली से बताता है कि सबको तुम्हारे बारे में पता चल गया है, खूनी पिग ने हम दोनों को साथ में देख लिया है। बुल्ली कहता है, अब क्या होगा, हम लोग बुल्ली और शॉन को कैसे बचाएंगे? रॉड बोला, अभी हमारे पास टाइम है बुल्ली, हम लोग घर के अंदर जा सकते हैं क्योंकि जेसन और पिग दोनों लड़ाई झगड़े में फंसे हुए होंगे, जल्दी आओ मेरे साथ। और फिर दोनों वहाँ से चले गए। बुल्ली और रॉड दोनों घर की तरफ जा रहे थे कि तभी अचानक से रॉड ने बुल्ली को रोक दिया और बोला, बुल्ली तुम अभी यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये कहकर रॉड वहाँ से चला गया और बुल्ली पेड़ के पीछे छुप गया।
और इधर खूनी पिक बार बार जेसन पे ये इल्जाम लगाता है कि ये रॉड के साथ मिला हुआ है। जेसन कहता है अभी थोड़ी देर पहले ये रॉड पे इल्जाम लगा रहा था, अभी ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। इस तरह की झूठी चुगली करके क्यों ये अपनी मौत को दावत दे रहा है। ग्रैंडपा बोले देखो आज ग्रैनी का बर्थडे है, आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अब कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगा। ग्रैनी आज डांस करने वाली थी लेकिन इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। इससे पहले कि ये ढेर हो जाए हमें ग्रैनी से डांस करवा लेना चाहिए, क्या कहते हो तुम लोग। ग्रैंडपा की बात सुनकर सब तैयार हो गए। उधर ग्रैनी का डांस होने वाला है और इधर रॉड और बुल्ली मिलकर गुल्ली और शॉन को ग्रैनी के घर से बाहर निकालने वाले हैं। रॉड घर के अंदर आकर देखता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है और फिर वो बुल्ली को अंदर आने का इशारा करता है और बुल्ली घर के अंदर चला जाता है। रॉड कहता है बुल्ली उस तरफ चलो और उसके बाद बुल्ली और रॉड दोनों बेसमेंट वाले दरवाजे के पास छुपकर प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं। रॉड कहता है बुल्ली तुम्हें बेसमेंट में जाकर सबसे पहले इविल नन का काम तमाम करना होगा। बुल्ली बोला मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, मैं इविल नन से कैसे लड़ पाऊंगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा रॉड। रॉड बोला मुझे बेसमेंट में जाने की इजाजत नहीं है बुल्ली, अगर मैं गया तो सारे घर वाले मेरे दुश्मन बन जाएंगे। मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। और फिर रॉड ने अपनी पॉकेट से जहर वाला इंजेक्शन निकाला और बोला ये लो और जाकर अपना काम पूरा करो, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा और किसी को भी बेसमेंट में नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद बुल्ली और रॉड अपने अपने काम के लिए तैयार हो गए और ग्रैनी अपने डांस के लिए। ग्रैनी जैसे ही नीचे टपकी रॉड फौरन ग्रैनी की तरफ भागा और ग्रैनी को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लगता है ग्रैनी अब हम सबको छोड़कर जा चुकी है और शायद रॉड भी ये बात समझ चुका है, इसलिए वो फौरन ऊपर की तरफ भागता है। दोस्तों क्या होगा अब बुल्ली बुल्ली और ग्रैनी का, क्या ग्रैनी अब मर चुकी है या फिर होगा कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ये सब हम देखेंगे 4 अप्रैल को यानी कि 4 अप्रैल संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।